Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the new lecture series of Art and Culture. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम 14th of June से Art और Culture की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हर हफ्ते आप लोगों के लिए तीन लेक्चर्स जो है सीरीज के आया करेंगे, एक संडे को, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को. और हर एक दिन ये लेक्चर्स शाम को 5:30 बजे अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोगों का टाइम भी फिक्स है और डे भी फिक्स है, तो आप आराम से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं. ओके, सो गाइस, ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी ये हम जो स्टैंडर्ड बुक है नितिन सिंघानिया की उसमें से कवर करेंगे, जो कि आप लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते भी हो, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आर्ट और कल्चर को एक्सप्लेन कर रखा है. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के पार्ट में हम थोड़ा बहुत इंडियन आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम हड़प्पन आर्किटेक्चर को भी कंप्लीट करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से. सो The word architecture is derived from the Latin word tecton. तो ये बात ध्यान रखने की इसमें कि जो आर्किटेक्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है? टेक्टॉन, और इसका मतलब होता है बिल्डर, जो बिल्ड करता है. तो जैसे ही अर्ली मैन ने अपना शेल्टर बनाना चालू किया वहीं से आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई. तो आर्किटेक्चर इस चीज को बोलते हैं, जबकि जो स्कल्पचर है इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट केल. जो स्कल्पचर वर्ड है वो एक प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट होती है केल, उससे डिराइव हुआ है, और इस केल का मतलब होता है टू कट और क्लीव. ठीक है, तो स्कल्पचर्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर वर्क्स ऑफ आर्ट, या तो हैंडमेड होंगे या टूल्स से बनते हैं, तो वो स्मॉल वर्क होता है आर्ट का, एंड दे आर मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट. सो आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स. ठीक है ना, आप हर चीज मेजर करके करके बनाते हो, वो सब चीजें हैं. जबकि जो स्कल्पचर है वो एस्थेटिक्स, ब्यूटी पे डिपेंड करता है. कोई भी चीज़ आप कितने ब्यूटीफुली कार्व कर रहे हो, किसी भी कोई जैसे आप मूर्ति वगैरह देखते हो, तो दैट इज़ अ स्कल्पचर, इट इज़ नॉट एन आर्किटेक्चर. और जो घर आप देखते हैं, बिल्डिंग्स, दैट इज़ आर्किटेक्चर. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी मैं. सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज साइज एंड स्कोप. तो फर्स्ट इज साइज एंड स्कोप. तो आर्किटेक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया, तो डिज़ाइन कैसी है बिल्डिंग्स स्कीम, जो मेन रफ डिज़ाइन होती है, कंस्ट्रक्शन कैसा है बिल्डिंग्स का, हाउसेस का, अलग अलग ऑफिसेस का. ठीक है, जबकि जो स्कल्पचर होता है दे आर स्मॉलर एंड 3D वर्क्स ऑफ आर्ट होते हैं. ठीक है ना, जैसे कोई भी आपने मूर्ति बनाई तो उसमें आप कितनी तरह से उसकी आँखें कार्व करते हैं, उसकी बॉडी कार्व करते हैं, किस तरह से उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो दैट इज एन आर्ट, दैट इज अ 3D वर्क ऑफ एन आर्ट, एंड इट इज ऑल्सो अ स्मॉलर आर्ट वर्क. देन वॉट आर द मटीरियल यूज? इज आर्किटेक्चर इट जनरली यूज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, जैसे स्टोन है, पत्थर है, लकड़ी है, ग्लास, मेटल्स, एंड इन सब का एक मटीरियल मिक्सचर यूज करता है. जो आर्किटेक्चर है उसमें इन सब चीज का मटीरियल, इन सब मटीरियल्स का मिक्सचर यूज होता है. जबकि जो स्कल्पचर है, एक सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर बनाएंगे हम, तो वो एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से ही बनेगा. सपोज करो एक पत्थर ले लिया, ठीक है ना, उसी को टांच टांच के और उससे करके हमने उस पर एक बहुत सुंदर सी कोई डिज़ाइन बना दी, तो एक ही पत्थर पे बना. या फिर ग्लास ले लिया तो वो ग्लास पे ही बनेगा, ऐसे इन सब के मिक्सचर पे नहीं बनता है. ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है? जो आर्किटेक्चर है इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वही इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की स्टडी होती है, एंड इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट. हर चीज़ का मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए. आपका घर जो है वो ऐसे बनाते हैं जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल सटीक मेजरमेंट होना चाहिए, नहीं तो पूरा घर खराब हो जाएगा. जबकि जो स्कल्पचर इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. इमेजिनेशन पे बेस्ड आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी मूर्ति बनाते हैं, तो वो आपकी पूरी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर का वो क्रिएटर जाग जाता है उसमें. एंड इट मे नॉट डिपेंड्स एज हैविली ऑन दी एक्यूरेट मेजरमेंट्स. और इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक मिलीमीटर भी आँख इधर बन गई या कोई ऑर्नामेंट में एक मोती ज़्यादा बन गया तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा. तो ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स इसमें नहीं चाहिए होते हैं, जबकि जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें आपको फुल्ली एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए. देन इंडियन आर्किटेक्चर. सो फ्रॉम द एंशियंट हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर हम देखें टू द ब्रिटिश रूल, द बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया हैव अ नैरेटिव ऑफ देयर ओन. हर बिल्डिंग और हर स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश रूल तक, सबकी अपनी एक कहानी है. द इमर्जेंस एंड डीके ऑफ द ग्रेट एम्पायर. सो इन सब में बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स का इमर्जेंस भी हुआ है, वो सब
डिके भी हुआ है उनका, और फॉरेन रूलर्स ने इन्वेड किया है, तो उन्होंने जो अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग्स बनाई हैं इंडिया में, उसके बाद जो जो इन्वेडर्स थे वो धीरे धीरे इंडिजिनस बन गए, वो यहीं की ब्रीड में मिक्स हो गए, वो लोग अपने जो उनका मेन जो उनका नेटिव प्लेस था वो वहाँ गए ही नहीं वापस लौट के। बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स और स्टाइल्स हैं उनका, जो है कॉन्फ्लुएंस हो गया, एक जगह पे मिक्स हो गई वो, तो एक एक प्योर कुछ नहीं रहा है, सब चीज़ों का मिक्सचर हो गया है। तो ये सब चीज़ रिफ्लेक्ट होती हैं एवोल्यूशन में इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के। तो हम इंडियन आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पहले तीन तरह का है, एंशियंट इंडिया में कैसा था, फिर मिडाइवल इंडिया में कैसा हुआ, और मॉडर्न इंडिया में कैसा है। ठीक है, तो पहले आता है एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में पाँच है, हड़प्पन आर्ट थी, फिर मौर्यन आर्ट आई, फिर मौर्यन के बाद का जो पीरियड आया उसे पोस्ट मौर्यन पीरियड बोलते हैं, तो उस समय कैसी आर्ट थी, फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट के बाद गुप्ता एज आई, और फिर साउथ इंडियन आर्ट। तो ये पांच आर्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिटेल में हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में दो तरह के लोग आए थे, तो दिल्ली सल्तनत आई थी और एक मुगल आर्ट। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और मुगल आर्ट के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ही बहुत ही अच्छा पीरियड था उस समय, और बहुत ही ह्यूज पीरियड था उस समय का। फिर आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में दो तरह की स्टाइल्स हैं, इंडो गॉथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। तो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लेते हैं। तो अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम BCE। तो बिफोर क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उस समय सेकेंड हाफ जो था थर्ड मिलेनियम BCE का, उस समय रिवर इंडस, जिसको हिंदू नदी बोलते थे, उस रिवर इंडस के बैंक पे, उसके शोर्स पे एक फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज हुई, जिसे हम आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंड इट स्प्रेड अक्रॉस दी लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और मोस्टली इसका जो एक्सपेंस है वो कहाँ रहा, वेस्टर्न इंडिया में, साउथ ईस्ट नॉर्थ में इतना ज़्यादा नहीं रहा, मोस्टली इट ऑक्यूपाइज दी पार्ट्स ऑफ दी वेस्टर्न इंडिया। ना एक मार्क्ड फीचर क्या था इस एंशियंट सिविलाइजेशन का, दैट वॉज द विविड इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज एक्जूडेड बाय द न्यूमरस स्कल्पचर, सील्स, पॉटरीज, ज्वेलरीज। हमारे इसकी एक्सकेवेशन साइट पे हमें बहुत सारी इसमें आर्किटेक्चरल जो है आर्टिस्टिक चीज़ें मिली हैं, जैसे स्कल्पचर्स मिले हैं, काफ़ी सील्स मिली हैं अलग अलग टाइप की, पॉटरीज मिली हैं, नॉर्थ ब्लैक वेयर, पॉलिशिंग वेयर, पेंटेड ग्रे, ये सब ज्वेलरीज बहुत मिली हैं। तो काफ़ी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ थी उस समय के लोगों की, तो ये मार्क्ड फीचर है। काफ़ी ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है एडवांस टाइप के पीपल थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दो मेजर साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं सिविलाइजेशन की, बट हड़प्पा और मोहनजोदारो जो हैं, जो इस पिक्चर में भी आपको दिख रही हैं, दिस इज़ द हड़प्पा एंड दिस इज़ मोहनजोदारो, ये दो मेजर साइट्स हैं इस सिविलाइजेशन की, और ये अर्लीस्ट भी हैं। हड़प्पा सबसे पहले जो है एक्सकेवेट हुई थी, इसलिए इस वैली का, इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदारो वैली सिविलाइजेशन इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी इस सिविलाइजेशन में वो हड़प्पा सिटी थी। देन दे आर ऑल्सो अमंग दी अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग कैसे होती है, अर्बन सिविक प्लानिंग, उसका भी अर्लीस्ट मॉडल है ये सिविलाइजेशन या साइट्स जो हैं दोनों। द प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क जो था रोड्स का एकदम प्लान तरीके से था, हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम्स, ये सब उस समय था। तो ऐसा लगता है कि हाँ, उनकी अर्बन, बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन थी, वो रूरल नहीं थे वो लोग, बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन थी उनके। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो हड़प्पा, तो इनमें क्या क्या डिस्कवरीज हुई, इनके एक्सकेवेशन में हमें क्या क्या चीज़ मिली, तो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो मेन चीज़ें हैं। अब जो ये दोनों सिटीज़ हैं, एक बात और ध्यान रखने की है, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो दोनों सिटीज़ हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, इंडिया में ये दोनों ही नहीं है। ये दोनों जो मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस सिविलाइजेशन की, वो दोनों ही अभी जो पाकिस्तान है उसमें है। सो हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट पाकिस्तान। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, हमें दो रोज मिली और सिक्स ग्रैनरीज विद ब्लैक बिग प्लेटफॉर्म थे, जो आपको पिक्चर दिख रही है ये ग्रैनरी की है। ऐसे सिक्स ग्रैनरीज की हमें दो रो मिली, मतलब सिक्स सिक्स तो 12 हो गई टोटल, और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला। तो मतलब वो लोग पूरा स्टोर करके रखते थे अपने जो ग्रेन्स वगैरह, जो भी वो लोग उगाते थे वो आराम से उसमें वो ग्रैनरीज में स्टोर हो जाता था। फिर स्टोन सिंबल मिला है लिंग्राम और योनी का। तो लिंग्राम इज
मेल सेक्स ऑर्गन एंड यूनि इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो इन दोनों के भी स्टोन सिंबल्स हमें वहाँ पे मिले हैं. फिर मदर गॉडेस फिगर मिली है, बहुत सारी मदर गॉडेस फिगरीन्स हमें वहाँ पे मिली हैं जो कि टेराकोटा की बनी हुई थी. देन वीट एंड बार्ले इन वुडन मोर्टार. तो एक वुडन मोर्टार, एक लकड़ी का एक तरह से आप जो कुल्हड़ होता है, तो लकड़ी के उसमें हमें वीट और बार्ले मिले कि तो इससे पता चला कि वो लोग वीट और बार्ले उगाते थे. फिर डाइस मिला, जो आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस चलते हैं आप, जिसमें वो नंबर्स लिखे रहते हैं, वो मिला. कॉपर स्केल मिला और शीशा भी मिला, मिरर. देन एक स्कल्पचर मिला जिसमें डॉग जो है वो डियर को चेस कर रहा था, मतलब डॉग जो है वो हिरन के पीछे भाग रहा था. फिर एक न्यू डांसिंग गर्ल भी मिली हरप्पा सिटी से, ऑफ विच वॉज मेड अप ऑफ स्टोन. और एक सैंड स्टोन मेल टॉर्सो भी मिला. सिर्फ टॉर्सो तक ही था, पूरा पूरा मेल फिगरीन नहीं मिला, ओनली मेल टॉर्सो मिला विच वॉज मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन. तो ये बहुत सारी जो है, सबसे ज़्यादा फाइंडिंग्स भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ही मिली हैं. फिर मोहनजोदाड़ो आता है, ये भी प्रेजेंट पाकिस्तान में ही है. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था विच इज़ नोन एज ग्रेट बाथ. ठीक है, तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये ग्रेट बाथ की ही है. यहाँ पे ही ग्रेट बाथ है और इसके दोनों तरफ यहाँ और यहाँ पे स्टेयर्स होती थी चढ़ने के लिए. यहाँ और यहाँ नहीं होती थी, सब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेयर्स होती थी चढ़ने के लिए. और ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से, अब तो ये मतलब डिग्रेड हो गए हैं. दीज वर द चेंजिंग रूम्स, यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे डुबकी लगा सकते हो. तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो रिचुअल्स होते हैं उनमें यूज होता था ये ग्रेट बाथ. पानी से भरा हुआ रहता था और इसका जो फ्लोर है इट वॉज मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ रहता था. इससे क्या है, जो पानी है वो सीप नहीं होता है नीचे की तरफ. ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी भी मिली. सिक्स ग्रैनरीज की जो रो थी वो हड़प्पा में मिली, लेकिन यहाँ मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी सी ग्रैनरी मिली. ठीक है, फिर पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल, जो ब्यूरियल करते थे जहाँ पे दफनाते थे लोगों को, वहाँ वो वाली जगह भी यहाँ पे मिली. और एक स्कल्पचर मिला यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट का. ठीक है, तो ऐसा लगता था कि यहाँ पुजारी है कोई और उसकी दाढ़ी थी. बियर्डेड प्रीस्ट का एक स्कल्पचर मिला जो कि काफ़ी फेमस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट, दैट इज ढोलावीरा. सो ढोलावीरा इज प्रेजेंट इन इंडिया, इट इज प्रेजेंट इन गुजरात स्टेट. तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि यहाँ पे एक जॉइंट वाटर रिजर्वायर मिला था हमें. और ये इसका एक और पिक्यूलर पॉइंट है कि यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिले थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम जैसे अभी हम, अभी जो हमारी सोच है ना, ऐसा लगता है कि वो सोच उन लोगों की उस टाइम पे ही हो गई थी कि वाटर हार्नेसिंग, कैसे वाटर को बचाना है. जैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं आजकल, तो उस टाइप का सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. फिर ऐसे ही एम्बैंकमेंट्स मिले हमें, क्लैम्स मिले, स्टेडियम्स मिले. वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी मिला इस विच कम्पोज्ड ऑफ 10 लार्ज साइज साइंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड. एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड की तरह एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें 10 लार्ज साइज साइंस थे, बहुत ही बड़े बड़े साइंस बने हुए थे और विच वर 10 इन नंबर. तो जैसे एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाते हैं हम, उस टाइप का कुछ मिला है. हालांकि अभी डिकोड नहीं हुआ है कि वो है क्या, लेकिन ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड. देन कम्स दी लोथल. लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ये भी गुजरात में प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें यहाँ डॉकयार्ड मिला हमें. डॉकयार्ड वो चीज़ होती है जहाँ पे ships आके रुकती हैं आपकी, दैट इज़ नोन एज डॉकयार्ड. तो ऐसा माना जाता है कि लोथल के थ्रू ही बाकी सिविलाइजेशन से हम कनेक्टेड थे थ्रू सी रूट्स, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड मिला. डबल ब्यूरियल मिला, मतलब दो लोगों को एक साथ बरी करने का जो होता है वो. फिर राइस हस्क, जो आप भूसा होता है चावल का, जो भूसा होता है वो मिला यहाँ पे. तो ऐसा है कि यहाँ के लोग जो है, क्योंकि यहाँ वाटर जो है, वाटर कंटेंट हाई था, क्योंकि पास में ही जो है आपका पूरा वो अरेबियन सी है, तो यहाँ पे राइस हस्क, तो पानी की तो कमी नहीं है. और राइस वैसे भी आपको पता है जो सैपलिंग्स होती है राइस की, वो बिल्कुल अंडर वाटर रहनी चाहिए, पूरी पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए. तो यहाँ राइस उगाते थे. फिर फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं. ठीक है, जहाँ पे जैसे हवन टाइप, हवन कुंड जो होते हैं वो होते हैं फायर ऑल्टर्स. और ऐसे जार्स भी बहुत सारे, पेंटेड जार्स मिले हैं लोथल में. तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जार्स. तो जार्स वर प्रेजेंट इन लोथल. डॉकयार्ड भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लोथल का. फिर जो मॉडर्न डे चेस है हमारा, उसका भी वहाँ पे एक्सकेवेशन में उसका भी हमें पार्ट मिला है. जैसे हमारा जो चेस होता है बिल्कुल वैसा ही मॉडर्न डे चेस मिला है. टेराकोटा फिगर मिले हैं हॉर्स और शिप के. तो शिप और हॉर्स दोनों के टेराकोटा फिगर्स मिले हैं.
और एक इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं जिससे हम 45, 90 और 180 डिग्री एंगल्स जो हैं उन्हें मेजर कर सकते हैं. तो इट वॉज अ वेरी यूनिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एज वेल एज इट इज़ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन. देन कम्स दी रोपर. रोपर पंजाब में प्रेजेंट है और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट हमें फाइंडिंग मिली है वो है डॉग वर बरीड विद ह्यूमन ओवल पिट बरियल्स. तो ह्यूमन के क्या है, ओवल पिट बरियल्स होते थे, उसके अंदर डॉग्स को, जो उनके डॉग्स होते थे उन्हें उनके साथ ही दफनाया जाता था. देन कम्स दी राखी गढ़ी. ये राखी गढ़ी जो है, ये जो है लेटेस्ट एक्सकेवेशन साइट है जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है. अभी इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या है, लेकिन ये लेटेस्ट जो हमें सिविलाइजेशन है, मतलब इस सिविलाइजेशन का जो पार्ट है वो ये लेटेस्ट अभी मिला है एक्सकेवेशन. देन कम्स बालाथल एंड कालीबंगन. तो कालीबंगन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बालाथल करके भी साइट है, ये दोनों ही राजस्थान में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला है, बेंगल फैक्ट्री, चूड़ियाँ मिली थी, तो ऐसा ध्यान है कि यहाँ बेंगल फैक्ट्री हो सकती है. ठीक है, टॉय कार्ट्स मिले हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि राजस्थान में इट इज़ अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट है तो कैमल है, क्योंकि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. तो यहाँ पे बोन्स मिली हैं कैमल की. ब्रिक्स भी मिली यहाँ पे, ब्रिक्स लेकिन कैसी, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली. और यहाँ पे सिटाडेल और लोअर टाउन भी हमें मिला. सिटाडेल क्या होता है, जो अपर सिटी होती है जहाँ पे रईस लोग रहते हैं उसे सिटाडेल बोलते हैं, और ये पार्ट जो होता है इट इज़ लोअर सिटी, जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं उसे लोअर टाउन बोलते हैं. और ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये है फायर ऑल्टर्स की. तो कालीबंगन में भी फायर ऑल्टर्स मिले हैं और लोथल में भी, इसलिए ये पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक का. ठीक है, इसका पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ बोन्स ऑफ कैमल मिली है और बेंगल फैक्ट्री मिली है. तो ये है काली बंगन का नाम ही यही है, मतलब ये बंगन मतलब बैंगल्स जो होती हैं हमारी चूड़ियाँ, और काली मतलब काली. ठीक है ना, तो काली चूड़ियाँ, इसका नाम ही उस हिसाब से पड़ा है, काली बंगन. तो ये ध्यान रखना है कि फायर ऑल्टर्स काली बंगन में भी मिले थे. देन कम्स सुरकोदता. तो सुरकोदता इट इज़ प्रेजेंट इन गुजरात, और यहाँ पे एक्चुअल रिमेन्स मिले हैं हमें हॉर्स की बोन्स की. तो हॉर्स की रिमेन्स हमें यहाँ पे टेराकोटा फिगर जो है वो मिला था हॉर्स का, लेकिन जो एक्चुअल बोन्स हैं हॉर्स की वो हमें यहाँ पे मिली सुरकोदता में. ठीक है, फिर कम्स बानवाली. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हरियाणा. तो देयर आर टू साइट्स इन हरियाणा, बानवाली एंड राखी गढ़ी, एंड ऑल्सो इन गुजरात सुरकोदता एंड लोथल. तो बानवाली इट इज़ प्रेजेंट इन हरियाणा. अब यहाँ पे हमें खिलौने का प्लव मिला है, प्लव प्लो जिसे बोलते हैं जो किसान काम में लेते हैं. फिर बार्ले ग्रेन्स मिले हैं, बार्ले का अनाज जो है वो मिला है. ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स थे यहाँ पे, जो घर थे वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं थे, ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स मिले हैं. एंड बानवाली इज द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स. इसमें रेडियल स्ट्रीट्स से गोल वाली जो स्ट्रीट्स होती हैं ना, वैसी स्ट्रीट्स मिली हैं. तो ये बानवाली जो है ये ओनली सिटी है जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स मिली हैं. फिर आलमगीरपुर. जो आलमगीरपुर है इट इज़ प्रेजेंट इन यूपी, और आलमगीरपुर को जो है ये मैं आपको जब नॉर्मल हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी जब भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी बता दें, आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न लिमिट ऑफ दिस सिविलाइजेशन. इट इज़ प्रेजेंट इन यूपी, और इसमें एक इम्प्रेशन मिला है ऑफ अ क्लोथ ऑन अ ट्रफ. ट्रफ का मतलब क्या होता है, ट्रफ एक लॉन्ग नैरो ओपन कंटेनर होता है एनिमल्स के लिए, जिसमें से वो खाना खाते हैं या फिर पानी पी सकते हैं. अब आलमगीरपुर में इन सब चीज़ों के अलावा एक टूटी हुई ब्लेड भी मिली है जो कि कॉपर की बनी हुई थी, और कुछ सिरेमिक आइटम्स भी डिस्कवर किए गए. ओके, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट साइट पे जो कि है मेहरगढ़. मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड प्रीकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ऐसा माना जाता है कि हिंदू घाटी सभ्यता जो है हमारी, उसका प्रीकर्सर है मेहरगढ़. मतलब पहले मेहरगढ़ वाली सभ्यता आई, फिर उसके बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई. यहाँ पे हमें पॉटरी भी मिली है और कॉपर के कुछ टूल्स भी मिले हैं. देन आती है हमारी चानूदारो. चानूदारो को हम लैंकशायर ऑफ इंडिया बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन जो है काफी अच्छा होता था. सो इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एंड इट इज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल. तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आ सकता है कि कौन सी ऐसी साइट है या कौन सी ऐसी इंडस सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं है. तो वो है चानूदारो. सो सिर्फ इकलौती इंडस सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं है, और ये पाकिस्तान में प्रेजेंट है, इंडिया में नहीं. अब यहाँ पे हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लिपस्टिक्स का यूज भी किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिमेन्स मिले हैं उसके. देन नेक्स्ट साइट आती है हमारी कोट दीजी. कोट दीजी भी प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है,
और टार बुल की स्टैचूज और मदर गॉडेसेस, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिली। देन नेक्स्ट जो हमारी साइट आती है वो है सुक्ता गैंडोर। सुक्ता गैंडोर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पे हमें क्ले, जो गीली मिट्टी होती है, उसकी चूड़ियां मिली। तो ये सारी फाइंडिंग्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस स्लाइड पे जितनी भी हमारी साइट्स हैं वो सब पाकिस्तान में प्रेजेंट है, और इसमें से सुक्ता गैंडोर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की, और आलमगीरपुर हमने पढ़ी लिया कि वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट साइट पे, जो कि है बालू। बालू जो है वो हरियाणा में प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे प्लांट रिमेन्स मिले हैं, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके अवशेष मिले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है गार्लिक का, जो लहसुन होता है उसका अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ से मिला। देन आती है हमारी नेक्स्ट साइट, जो कि है दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और ये आईवीसी की सदर्न मोस्ट साइट है। यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिले हैं, जिसमें एक ब्रॉन्ज का रथ यानी कि चैरियट मिला है। देन नेक्स्ट आती है केरला नो धोरो। केरला नो धोरो साइट जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है, और ये जो है सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर हुआ करता था आईवीसी के टाइम पे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन कोटबाला जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिला है हमें फर्नेस का। फर्नेस क्या चीज होती है, जहाँ पे आग जलाई जाती है और कुछ बेक किया जाता है। जैसे सपोज करो अगर हमने ईंटों को बेक करना चालू कर दिया तो बेक ब्रिक्स जैसे बनाई जाए, तो उस टाइप के फर्नेस यहाँ पे दिखाई दिए हैं, मिले हैं। देन नेक्स्ट साइट जो है वो है मांड, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, और ये हमारी नदर्न मोस्ट साइट है आईवीसी की। तो चार जो बॉर्डर्स हैं आईवीसी की वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नदर्न मोस्ट साइट हो गई मांड, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ईस्ट में हो गई आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। वेस्ट में हो गई हमारी सुक्ता गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है। और साउथ में हो गई हमारी दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। तो ये चारों सिटीज, जो चारों साइट्स हैं, आपको ध्यान रखनी। ओके, इसके अलावा भी कुछ साइट्स थी हमारी आईवीसी की, जैसे कि देसलपुर, पाभूमत, रंगपुर और शिकारपुर। ये चारों साइट्स हमें गुजरात में मिली। फिर सनौली जो है वो यूपी में, कुनाल हरियाणा में, करनपुरा राजस्थान में, और गनेरी वाला पंजाब में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी आईवीसी की। क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ द रिमेन्स ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो दे रिवील अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। तो क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही दो ऐसी साइट्स हैं, पहले हड़प्पा रिवील हुई थी और फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो ये दो मेन साइट्स हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी टाउन प्लानिंग देखने को मिली। तो इसमें क्या था, द टाउन्स दे वर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। तो इसमें होता क्या हुआ क्या था, जो टाउन्स हैं वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में ले डाउन किए गए थे। जो रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी सारी रोड्स। जैसे नॉर्थ साउथ पे रन कर रही है, ये ईस्ट वेस्ट पे रन कर रही है, ये ईस्ट वेस्ट पे रन कर रही है नॉर्थ साउथ, तो हर किसी को ये राइट एंगल पे, हर रोड एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही है। इस तरह की टाउन प्लानिंग थी। देन जो बिग रोड्स थी दे डिवाइडेड द सिटी इनटू अ नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जो बड़ी रोड्स थी वो पूरी सिटी को बहुत सारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती थी, जबकि जो स्मॉलर लेन्स थी, जिसे हम गली बोलते हैं, स्मॉलर लेन्स जो थी दे वर यूज्ड टू कनेक्ट द इंडिविजुअल हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स टू द मेन रोड। तो जो बड़ी रोड थी वो तो जो हमारा सिटी है उसको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी, जबकि जो छोटी छोटी गली थी वो एक हाउस को दूसरे हाउस से कनेक्ट करती थी और हाउसेस को मेन रोड से भी कनेक्ट करती थी। नाउ मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स वर प्रेजेंट और वहाँ पे मिली हैं हमें। जैसे एक तो थी ड्वेलिंग हाउसेस, जहाँ पे लोग रहते थे, एक पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ पे कोई भी पब्लिक ओकेजन वगैरह होता था, और एक पब्लिक बाथ्स, ठीक है, जैसे हमारा जो ग्रेट बाथ टाइप है वो। फिर हड़प्पन क्या है, जो करते कैसी ब्रिक्स यूज करते थे, दे यूज बर्नट मड ब्रिक्स, मिट्टी की जो है वो ब्रिक्स बनाते थे, मिट्टी की ईंटें बनाते थे, और उसमें भी जली हुई मिट्टी की ईंटें बनाते थे ऑफ अ स्टैंडर्डाइज डायमेंशन। उनके डायमेंशंस भी अलग ही होते थे, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस की बनाते थे एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कुछ भी चीज़ आपको खड़ी करनी है, बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइज डायमेंशन होता था ब्रिक्स का, और उसके ऊपर वो मतलब बर्नट ब्रिक बनती थी। मैंने आपको ग्रेट बात में भी बताया था, मैनी लेयर्स ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक वर लेड आउट एंड देन जॉइंट टुगेदर यूजिंग जिप्सम मोर्टार। अब होता क्या था, बहुत सारी लेयर्स जो है वेल बेक्ड ब्रिक की ले डाउन करते थे, उन्हें पूरा बनाते थे, और फिर उनको ज्वाइन कैसे करते थे, जिप्सम मोर्टार से ज्वाइन करते। तो ज्वाइनिंग मटेरियल जो था उस समय वो था जिप्सम मोर्टार। देन द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब सिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, एक अपर सिटाडेल और एक लोअर पार्ट।
तो जो अपर सिटाडेल होता था, जैसे ये हो गया हमारा सिटाडेल, ऊपर की तरफ रहते थे लोग थोड़ा, और ये हो गया लोअर पार्ट, यहाँ पे जो पुअर लोग हैं वो रहते थे. तो सिटाडेल जो है इट वॉज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पार्ट एंड इट वॉज यूज फॉर बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन सच एज ग्रैंडरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, पिलर्ड हॉल्स, कोर्ट यार्ड. तो जो ऊपर वाली थी, एक तरह से सपोज करो जैसे स्टेज है, वो सिटाडेल हो गया, और जहाँ पे ऑडियंस बैठती है वो लोअर पार्ट हो गया. तो इस टाइप का था. तो सिटाडेल जो होता है वो वेस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट था हड़प्पा के, और इट वॉज यूज फॉर बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी, जैसे कोर्ट यार्ड बनाना है या हॉल बनाना है कोई, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स या जो ग्रैनरीज बनती थी, ये सब जो बड़ी बड़ी डायमेंशंस वाली बिल्डिंग्स थी वो सब अपर सिटाडेल में या सिटाडेल करके जो जगह थी वहां पे बनती थी. और सम ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल माइट हैव बीन द रेजिडेंस ऑफ रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स. जैसे मैंने आपको बताया कई बिल्डिंग्स ऐसी भी बनती थी जो अमीर लोग होते थे वहां पे, जो रूलर्स होते थे उस टाइम के, उनकी जो रहने की जगह थी, उनके जो घर थे वो भी सिटाडेल में ही बनते थे. देन द ग्रैनरीज दे वर इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट एंड रेज्ड प्लेटफॉर्म विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट. अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही एडवांस्ड लोग थे वहाँ के, तो वो जो ग्रैनरीज बनाते थे, अब वहाँ पे क्या है पेस्ट नहीं लगने चाहिए, इसलिए उनके स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स रहती थी वहाँ पे. मॉइस्चर भी जो है एक्युमुलेट नहीं होना चाहिए, इसलिए एयर डक्ट्स भी रहती थी वहाँ पे, और ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनती थी जिससे जो है वो जो ग्रेन्स हैं वो खराब नहीं. देन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दी हड़प्पन सिटीज इज द प्रेवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ. पब्लिक बाथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था उस समय, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लीनिंग इन देयर कल्चर. तो जैसे वो बोलते हैं ना कि शुद्धि कर रहे हैं, तो उस टाइप का कुछ रहता था कि वहाँ पे अगर आप बात कर लेंगे, वहाँ पे नहा लेंगे, तो आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, रिचुअलिस्टिक क्लीनिंग हो जाएगी. Then these baths also had an array of galleries and rooms. वो मैंने आपको दिखाई थी उस पिक्चर में कि changing rooms या galleries हुआ करती थी जहाँ पे लोग अपने कपड़े चेंज करके उसमें डुबकी लगाते थे, फिर नहाने के बाद वापस अपने कपड़े चेंज करते थे, तो वो उन रूम्स में चेंज करते थे. ठीक है, ग्रेट बाथ जैसे है हमारा मोहनजोदाड़ो का. फिर वहाँ पे कोई भी क्रैक्स या लीक्स नहीं है, अभी तक भी जो है हमें कोई लीक नहीं मिला है ग्रेट बाथ में. तो उसमें पता चला कि कितनी इंजीनियरिंग कितनी बढ़िया तरीके से की थी, और बेड ब्रिक जो है वो यूज़ करते थे जिसमें कोई भी लीकेज नहीं होता. अगर आप बेक ब्रिक कहीं यूज़ करेंगे तो उसमें लीकेज नहीं होता. फिर आते हैं हम लोअर पार्ट के बारे में. तो लोअर पार्ट जो था सिटी का, इट वाज अ स्मॉल वन रूम कंस्ट्रक्शन होते थे वहाँ पे, छोटे छोटे घर बनते थे, एक रूम के जितना जो तक कंस्ट्रक्शन होता है उतना बनता था. एंड दे हैव माइट हैव बीन यूज एज क्वार्टर बाय द वर्किंग क्लास पीपल. तो वही जो वर्किंग क्लास पीपल है, जो मजदूर हैं, उन सब के लिए वो जो रूम्स हैं, जो घर हैं उनके, वो घर की तरह यूज़ में लेते थे, क्वार्टर्स की तरह यूज़ में आते थे, जो लोअर सिटी लोअर पार्ट है सिटी का वो. देन सम ऑफ द हाउसेज दे हैव स्टेयर्स विच इंडिकेट दे माइट हैव बीन डबल स्टोरीज. अब कुछ हाउसेज में स्टेयर्स मिली हैं, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, या डबल स्टोरी हाउस थे, एक के ऊपर एक और बना लिया तो डबल स्टोरी हो गया, तो जो स्टेयर्स हैं उनका तो यही मतलब निकलेगा. देन मोस्ट द बिल्डिंग्स हैव प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स एंड आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड. अब जो सारी बिल्डिंग्स थी, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स थी, उनमें खुद की प्राइवेट वेल्स थी, खुद के ही कुएं थे अपने अपने, और बाथरूम्स भी सबके अलग अलग थे, एंड दे वर प्रॉपरली वेंटिलेटेड. तो काफी अच्छी आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग हुई हुई थी हड़प्पन सिटीज की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटीज हैं उनकी काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चरल प्लानिंग हुई हुई थी. सब चीज़ ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था. तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन का एडवांस ड्रेनेज सिस्टम ही है. बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था. हमारा तो आज भी एडवांस नहीं है, आज भी इधर उधर कहीं ना कहीं नाला खुल जाता है और गंदा पानी बहने लगता है. तो उनका बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था. उसमें क्या होता था, स्मॉल ड्रेन्स जो है वो हर एक हाउस से छोटे छोटे ड्रेन्स रन करते थे, और फिर एक वो बड़े ड्रेन में जाके अपने जो भी मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उस सबको वहाँ पे ड्रेन कर देते थे एक लार्ज ड्रेन में. और जो लार्ज ड्रेन था वो रन करता था अलोंग दी मेन रोड्स. मेन रोड्स पे बने हुए थे लार्ज ड्रेन्स, और हमेशा वो कवर्ड रहते थे, जैसे हमारे आज की तरह नहीं खुले पड़े हुए हैं ड्रेन सारे. तो ड्रेन्स जो है सब कवर्ड रहते थे, चाहे स्मॉल ड्रेन हो चाहे वो लार्जर ड्रेन हो. तो हर घर से स्मॉल ड्रेन आता था जो कि मिलके एकदम बिल्कुल जो बड़ा वाला ड्रेन है उसमें जाके मिल जाते थे, और सारा वेस्ट मटेरियल वहां पे ड्रेन हो जाता था. देन द ड्रेन्स दे वर कवर्ड लूजली. तो उनको लूजली कवर्ड करते थे जिससे जो है रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस हो सके. एकदम परमानेंटली कवर नहीं करते थे, लूजली उनको, हाँ उस पर ढक्कन रख दिया, बस वो कवर कर दिया, चाहे वो पत्थर का ही ढक्कन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसे कवर कर दिया, और फिर उसको रेगुलर मेंटेनेंस करते थे, उसकी क्लीनिंग करवाते थे. देन द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक. तो हाइजीनिक था बहुत, चाहे पर्सनल हाइजीन हो चाहे पब्लिक हाइजीन हो. पर्सनल हाइजीन ये हो गया कि स्मॉल ड्रेन्स हर घर से आ रहे हैं, तो घर में कोई भी कूड़ा इकट्ठा नहीं होएगा,
और लार्ज ड्रेन्स हो गए तो वो पब्लिक हाइजीन हो गई, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनल, बहुत ही इम्प्रेसिव जो था उनका आर्किटेक्ट था। देन द रिमेन्स ऑफ अच्छा डॉकयार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, लोथल में मिला था, तो वो भी ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन कम्स दी स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब स्कल्पचर जो सील्स बताई मैंने आपको, सील्स हैं हमारे, जो फिगरीन्स हमें मिली मदर गॉडेस की या डांसिंग गर्ल की, वो सब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन द हड़प्पन स्कल्पचर्स दे वर एक्सट्रीमली अडेप्ट एट हैंडलिंग द थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम्स। 3D स्ट्रक्चर्स काफ़ी बनाए हुए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकेविशन में जो हमें मिले हैं, काफ़ी सारे 3D स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मिले हैं। मोस्ट कॉमनली हमें जो मिले हैं वो हैं सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स और पॉटरीज। तो पहले हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ न्यूमरस सील्स मिली हैं हमें अलग अलग साइज की और अलग अलग शेप्स की। तो कोई रेक्टेंगुलर है, कोई सर्कुलर है, कोई स्क्वायर है, तो अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइज, कोई छोटी है कोई बड़ी है, अलग अलग साइज की सील्स वहाँ पे मिली हैं। अब मोस्ट ऑफ द सील्स ऐसे तो अलग अलग शेप की मिली हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सील्स वर ऑफ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप की सील्स मिली हैं और ट्राइंगुलर, रेक्टेंगल और सर्कुलर भी मिली हैं। लेकिन मोस्ट, अगर अपन को डिफ्रेंशिएशन करने को दिया जाए या कंपैरिजन करने को दिया जाए, सपोज करो कि 60-70% जो है वो स्क्वायर मिली है और बाकी 30-40% के अंदर ये तीन, बाकी तीन टाइप की भी आ गई, जैसे ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। अब किस चीज़ से बनती थी? स्टेयटाइट करके एक मटेरियल था जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है। स्टेयटाइट जो है इट इज़ अ सॉफ्ट स्टोन, और ये मिलता कहाँ पे है? रिवर के बेड पे मिलता है। सो रिवर बेड्स पे मिलता है स्टेयटाइट करके जो एक सॉफ्ट स्टोन है, एंड इट वॉज द मोस्ट कॉमन मटीरियल विच वॉज यूज टू मेक सील्स। तो इसमें भी यही बात है, इट वॉज द मोस्ट कॉमन मटीरियल, नॉट द ओनली मटीरियल। एक अकेला मटीरियल नहीं था जिससे सील्स बनाते थे, लेकिन मोस्ट कॉमन था। इसके अलावा जो मटीरियल यूज होते थे वो है अगेट, शर्ट, कॉपर एंड टेराकोटा। ठीक है, बाकी इन सबसे भी सील्स बनती थी, लेकिन जो मेन मटीरियल यूज होता था वो था स्टेयटाइट। नाउ सम इंस्टेंसेस, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे कॉपर, गोल्ड और आइवरी की भी सील्स मिली हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर हैं। देन जो मोस्ट ऑफ द सील्स थी उनमें इंस्क्रिप्शंस होते थे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में, और ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं। हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उसका क्या मतलब है। साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं उसको डेसिफर करने में कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पूरी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। एंड इट वॉज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, जैसे हम उर्दू लिखते हैं वैसे राइट टू लेफ्ट लिखी हुई है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन लिखा हुआ क्या है वो अभी तक समझ में नहीं आया है। देन एनिमल इम्प्रेशंस भी मिलते थे वहाँ पे, जनरली 5 विच वर कार्व्ड ऑन दी सर्फेस। तो जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसमें एनिमल इम्प्रेशंस भी मिलते थे, और जब भी एनिमल इम्प्रेशंस मिलते थे देवर जनरली 5 एनिमल्स मिलते थे ऑलमोस्ट। तो एक कॉमन एनिमल मोटिव जो था वो था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक वन हॉर्न राइनो जो होता है उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर, इट इज़ एन इमेजिनरी क्रिएचर। पता नहीं यूनिकॉर्न है भी एग्जिस्टेंस में या नहीं, इट इज़ अ इमेजिनरी क्रिएचर। वहाँ पर हो सकता है यूनिकॉर्न उस समय होते हो, पता नहीं, अभी तक कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं है। तो जो कॉमन एनिमल मोटिव्स, मतलब कॉमन एनिमल जो काव करते थे वो लोग, वो थे यूनिकॉर्न, हम्ड बुल, जो हम वाला बुल होता है वो, राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट, बफलो, बिसॉन, गोट, ये सब। काउ का एविडेंस नहीं मिला वहाँ, बफेलो का जो है वो मिला, बट गाय, काउ का एविडेंस नहीं मिला कि काउ कहीं कार्व कर रखी है किसी इंप्रेशन में, इस टाइप का नहीं मिला। जनरली जो सील्स थी उनमें एनिमल और ह्यूमन फिगर एक साइड होता था और एक इंस्क्रिप्शन होता था दूसरी तरफ, या फिर इंस्क्रिप्शन होता था दोनों तरफ। तो या तो एक तरफ एनिमल या ह्यूमन फिगरीन दे रखी है और दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन है, या फिर दोनों तरफ ही इंस्क्रिप्शन है, लेकिन दोनों तरफ एनिमल और ह्यूमन फिगर्स नहीं होते थे। देन कुछ इंस्क्रिप्शन में, कुछ सम सील्स हैड इंस्क्रिप्शन ऑन द थर्ड साइड एज वेल। कुछ ऐसी सील्स थी जिनमें तीसरी तरफ भी इंस्क्रिप्शन होता था, जैसे बीच में दोनों तरफ के जो बीच होता है वो थर्ड साइड हो गई, वहाँ पे भी कुछ इंस्क्राइब रहता था। देन द सील्स देवर प्राइमरी, अब सील्स का यूज़ क्या होता था, ऐसा सुनने में आया है कि देवर प्राइमरी यूज फॉर दी कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होते थे, जैसे एक तरह से हमारे जो सिक्के होते हैं, तो वैसे सील्स उस तरह की होती थी कि आपने ये मटीरियल वहाँ से खरीदा, हम आपको इतनी सील्स दे देंगे। ठीक है, तो एक तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती थी। देन सम सील्स विद अ होल ऑन देम हैव बीन फाउंड ऑन दी डेड बॉडीज। तो कुछ डेड बॉडीज पे ऐसी सील्स भी मिली हैं जिनमें होल होता था, छेद होता था। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि दे माइट हैव बीन यूज एज एम्यूलेट्स। ठीक है ना, एक लॉकेट की तरह भी काम में ले सकते हैं, जब भी बीच में छेद होगा, आपने चेन डाल ली, बीच में छेद हो गया, तो डेड बॉडीज पे मिला है तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऑर्नामेंट्स की तरह या एम्यूलेट्स, जो हमारा वो धागा होता है, एक जो रिचुअलिस्टिक धागा होता है, जो ताबीज टाइप, उस टाइप का हो गया कि आपने हाँ कोई मन्नत मांगी और उसे बांध लिया, तो वो उसे एम्यूलेट बोलते हैं।
ठीक है, दे आर कैरीड ऑन द पर्सन्स ऑफ देयर ओनर्स, प्रोबेबली यूज एज सम फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन. किसी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि मैंने ये वाली सील पहन रखी है तो तुम मुझे आइडेंटिफाई कर लेना इससे. देन मैथमेटिकल इमेजेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन सम सील्स, कुछ सील्स पे मैथमेटिकल इमेजेस भी मिली हैं. तो वो किस लिए यूज़ होती है? हो सकता है एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता हो, किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए कि इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, तो इजीली याद हो जाता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से. एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, यूनिकॉर्न सील है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सील है, दैट इज़ द पशुपति सील. तो अब इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. तो पशुपति सील जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सील है एंड इट इज़ द डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो. तो ये जो पशुपति सील है ये हमें मोहनजोदड़ो में मिली थी. एंड व्हाट इट डिपिक्ट्स इज, इट डिपिक्ट्स अ ह्यूमन फिगर. ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक ह्यूमन फिगर है, या इस तरह से भगवान भी मान सकते हैं. एक डीटी यहाँ पे आपको बैठी हुई दिख रही है एंड इट इज सिटिंग विथ क्रॉस लेग, जिसे हम आलती पालती मार के बैठना बोलते हैं वैसे बैठे हुए हैं, ठीक है. और इस फिगर को ही पशुपति बोला है इस सील में. इट रेफर टू एज पशुपति एंड ही वेयर्स अ थ्री हॉर्न्ड हेड गियर एंड इज सराउंडेड बाय एनिमल्स. तो इन्होंने जो हेड गियर पहन रखा है, एक तरह से जो मुकुट पहन रखा है, वो तीन हॉर्न है उसमें, एक यहाँ और एक ऐसे आगे, तो वो दिखेगा नहीं क्योंकि इट इज अ 2D स्ट्रक्चर. तो इसीलिए थ्री हॉर्न्ड हेड गियर पहनते थे और क्रॉस लेग्ड, ही वॉज सिटिंग लाइक इन अ क्रॉस लेग पोजिशन एंड ही सराउंडेड बाई एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स इनको सराउंड करते हैं, जैसे पहला है एलिफेंट और टाइगर. ये दोनों ही राइट हैंड साइड पे हैं, ऊपर एलिफेंट है नीचे टाइगर है. तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ जो साइड है वो अच्छी तरह ध्यान रखना, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आ सकता है क्वेश्चन दैट एलिफेंट एंड टाइगर आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पशुपति. तो ऐसा नहीं है, राइट साइड पे जो है एलिफेंट और टाइगर प्रेजेंट है एंड राइनोसेरस एंड बफेलो आर सीन ऑन द लेफ्ट साइड. और इस फिगर के लेफ्ट साइड में हमारे बफलो और राइनोसेरस प्रेजेंट है, राइनोसेरस एंड बफलो. ये ऊपर राइनोसेरस है और नीचे बफेलो है, ठीक है. एंड द टू एंटीलोप्स दे आर शोन बिलो द सीट ऑफ द फिगर. अब दो एंटीलोप, ये आधी सील मिली है तो यहाँ पे भी एक एंटीलोप था और यहाँ पे भी, बारह सिंगा जो होता है, तो दो एंटीलोप्स इनकी सीट के नीचे भी है. तो इट ही सराउंडेड दिस फिगर विच इज नोन एज पशुपति, ही सराउंडेड ऑल ओवर बाय एनिमल्स, ऑन द राइट हैंड साइड बाय एलिफेंट एंड टाइगर एंड ऑन द राइट हैंड साइड बाय राइनोसेरस एंड बफेलो एंड बिलो हिज सीट देर आर टू एंटीलोप्स आर प्रेजेंट. तो एक तो ये सील मिली है और ये सील बहुत ही इम्पॉर्टेंट सील है, ये मतलब काफ़ी जगह पे मिली है, मेनली प्रेजेंट जो है मोहनजोदड़ो से मिली है और ये काफ़ी नंबर में मिली है. तो ये सबसे जो है फेमस सील है उस टाइम की. और दूसरी है ये यूनिकॉर्न, ये वन हॉर्न राइनो है, ये यूनिकॉर्न है, ये यूनिकॉर्न की सील भी हमें काफ़ी जगह से मिली है. तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पशुपति सील है, सेकंड नंबर पे यूनिकॉर्न सील है. तो ये दो टाइप की सील है जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में हमें डिस्कवर हुई है. देन कम्स दी ब्रॉन्ज फिगर्स. अब हड़प्पन सिविलाइजेशन इट सॉ अ वाइड स्केल प्रैक्टिसिंग ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग. तो ब्रॉन्ज कास्टिंग भी काफी करते थे. कैसे बनाते थे ब्रॉन्ज स्टैचूज? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से. लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? इस टेक्निक में क्या होता है, वैक्स फिगर को आप मोल्ड करते हो, कोट करोगे पहले उसको विद वेट क्ले एंड अलाउड टू ड्राई. तो जैसे आपने वैक्स की कोई भी मूर्ति बना ली सपोज, है ना, फिर उसको आप पहले कोट करोगे विद द वेट क्ले, जो गीली मिट्टी होती है उससे आप उसको पूरा कोट कर दोगे और उसको ड्राई होने दोगे. उसके बाद जो क्ले कोटेड फिगर है उसको हीट करोगे. अब इसको हीट दोगे, पूरा ड्राई हो गया, उसके बाद इस क्ले वाले पोर्शन को, मतलब क्ले से हो गया वो पूरा कोट, तो उसको हीट करोगे एंड अलाउंग द वैक्स इनसाइड टू मेल्ट. जिससे क्या है, इसमें हीट करोगे तो क्ले का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जो अंदर वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी. एंड द वैक्स इज देन पोर्ड आउट थ्रू अ टाइनी होल एंड द लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनसाइड द होलो. फिर करते क्या थे, एक छोटे से होल से पूरी वैक्स बाहर निकाल देते और उसी होल से मेटल जो है, जो लिक्विड मेटल है, उसे अंदर डाल देते थे. और आफ्टर द मेटल हैज कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड द क्ले कोट इज रिमूव्ड एंड अ मेटल फिगर ऑफ द सेम शेप एज द वैक्स फिगर इज ऑब्टेन्ड. सिंपल. तो जैसे ही आपने सपोज करो कोई भी डिजाइन बनाई, सपोज करो ये डिजाइन बनाई आपने, इसको पहले आपने क्ले से कोट कर दिया, इसको ड्राई होने दिया, फिर इसको हीट करोगे तो सारी वैक्स बाहर आ जाएगी और जिस टाइप का आपका वैक्स है सारी वैक्स बाहर आ जाएगी और लिक्विड मेटल आप डाल दोगे. तो जब कूल डाउन हो जाएगा पूरा मेटल तो वो उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में आपने वैक्स कार्विंग करी थी, उसी वैक्स कार्विंग का उसी शेप का वो पूरा एग्जैक्ट रेप्लिकेट हो जाएगा मेटल पे. और फिर आप पूरा वो जो ऊपर की जो कोट है, जो क्ले वाली कोटिंग है, उसे हटा दो तो आपके पास मेटल का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो ये होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिससे वो लोग फिगर्स बनाते थे, ब्रॉन्ज फिगर्स. अभी भी ये टेक्निक बहुत सारी, हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी ये टेक्निक यूज होती है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए.
तो मेन जो दो एग्जाम्पल है इस वाली ब्रॉन्ज फिगर्स के वो है तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो एंड द ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो है वो काफी बार क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। सो द डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर अगर आए तो उसका नाम है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो एंड इट इज अ 4 inch फिगर। सिर्फ 4 inch का फिगर है ये एंड इट डिपिक्ट्स अ नेकेड गर्ल वियरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स। इसमें एक नेकेड गर्ल दिखाई गई है जिसने सिर्फ जो है ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं बहुत सारे, जिसमें क्या है लेफ्ट आर्म जो है उसकी जो उल्टा हाथ है उसका उसमें उसने बैंगल्स पहन रखी हैं एंड एम्यूलेट एंड ब्रेसलेट ऑन द राइट आर्म। और जो उसका सीधा हाथ है उसमें उसने वो एम्यूलेट जैसे ताबीज टाइप और ब्रेसलेट पहन रखा है। तो लेफ्ट हाथ में चूड़ियां पहन रखी है और राइट हाथ में एम्यूलेट और ब्रेसलेट पहन रखा है और वो एक त्रिभंगा पोजीशन में है। मतलब त्रिभंगा पोजीशन वो होती है जिसमें आप आपकी बॉडी में 3 bends आते हैं, तो उस पोजीशन में वो खड़ी हुई है डांसिंग पोस्चर में और उसका जो राइट हैंड है वो उसके हिप पे है। तो इस टाइप की जो है ये देखो ये वाली है, तो इस राइट हैंड में उसने ब्रेसलेट्स और एम्यूलेट्स पहन रखे हैं और लेफ्ट हैंड में उसने चूड़ियां पहन रखी हैं एंड शी इज स्टैंडिंग इन अ त्रिभंगा पोजीशन। ये इसका हेड इधर की साइड टिल्टेड है, कमर इधर की साइड टिल्टेड है और पैर इधर की साइड टिल्टेड है। तो ये 3 bends हो गए, 1, 2, 3 ठीक है। एंड शी हैज कैप्ड हर राइट हैंड ऑन हर हिप। ये बैक पोजिशन है इसकी और ये फ्रंट पोजिशन है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट जो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल विच वॉज फाउंड फ्रॉम दी मोहनजोदारो। नाउ कम्स दी टेरेकोटा फिगर्स। तो टेरेकोटा क्या होता है, जो फायर बेक्ड क्ले होती है मतलब जो गीली मिट्टी है उसको आपने फायर से बेक कर लिया पूरी तरीके से तो वो टेराकोटा में कन्वर्ट हो जाती है। वो भी यूज करते थे लोग स्कल्पचर्स बनाने के लिए। सो कम्पेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर्स दीज फिगर्स आर लेस इन नंबर एंड क्रूड एंड शेप एंड फॉर्म। तो जितनी अच्छी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाते थे उतने अच्छे नहीं बनते थे ये जो टेराकोटा फिगरीन्स हैं और ये कम भी थे। मतलब जैसे 100% हम मान ले स्कल्पचर्स तो उसमें से 80% जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे और 20% ही थे जो कि टेराकोटा फिगरीन्स थी। और ये काफ़ी बहुत इनमें बहुत फाइननेस नहीं होती थी, बहुत अच्छे नहीं बनते थे। जैसे ये जो फिगर मदर गॉडेस का फिगर है टेराकोटा फिगर है तो इसमें सब चीज़ अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है। जैसे इसमें डिफाइंड है हर चीज़, या आँखें नाक इसमें इतनी अच्छी तरह से नहीं है। जैसे 2 shapes दिए या आँखें बन गई, इसमें अच्छी तरह से पूरी आपकी फाइननेस डिफाइन होती है। दे वर मेड यूजिंग पिंचिंग मेथड एंड हैव बीन फाउंड इन द मोस्ट साइट्स ऑफ गुजरात एंड कालीबंगन। तो ये पिंचिंग मेथड से जो है बनते थे, मतलब ऐसे ही बस वो टांच टांच के जो बनाते हैं और वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं, बस पिंचिंग कर दी, हाँ ये आँख बन गई, ये नाक बन गई, ये मुँह बन गया, ये मुकुट बन गया, ये बिल्कुल क्रूड फॉर्म में होते थे। और मोस्टली गुजरात और कालीबंगन यानी कि राजस्थान में ऐसे फिगर्स जो हैं टेराकोटा फिगर्स वो मिले हैं। एंड टेराकोटा वॉज जनरली यूज टू मेक टॉयज, जनरली जो बच्चों के खिलौने बनाने के काम में आते थे, एनिमल फिगर्स, मिनिएचर कार्ड्स, मोस्टली जो मिनिएचर कार्ड्स और व्हील्स बनाते थे उसमें काम आते थे बनाने में। तो मेन एग्जाम्पल इसका है एक तो मदर गॉडेस है और एक मास्क ऑफ हॉर्न्ड डीटी। तो जो हॉर्न्ड डीटी है उसके मास्क, उसका जो मास्क बना है वो भी टेराकोटा का है। और जो मदर गॉडेस फिगरीन्स हमें कई जगह से मिली हैं वो भी टेराकोटा से ही बनी हुई है। तो मदर गॉडेस फिगर इट हैज बीन फाउंड इन मेनी इंडस साइट्स एंड इट इज अ क्रूड फिगर। एक स्टैंडिंग फीमेल है, शी वॉज अडॉर्न्ड विद नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट्स। तो ये जो इनके ये हैं दे आर दी प्रोमिनेंट ब्रेस्ट्स और भाई हर जगह इनको न्यूड ही बनाया है इन्होंने। शी वॉज ऑल्सो न्यूड एंड शी वॉज ऑल्सो वियरिंग प्रोमिनेंट दीज। देखो कितने सारे हार पहन रखे हैं, ये 4 हार पहन रखे हैं, 4 ऑर्नामेंट्स एंड शी वियर्स अ लॉइन क्लोथ एंड अ गर्डल। तो एक लॉइन क्लोथ पहनती थी ये यहाँ पे, ठीक है, एक लॉइन क्लोथ पहनती थी और एक गर्डल। फिर शी ऑल्सो वियर्स अ फैन शेप्ड हेड गियर, ये ऊपर है एकदम बिल्कुल फैन शेप्ड हेड गियर है, बिल्कुल वो जो पंखा होता है चाइनीज जो हाथ में लेके घूमते हैं उस टाइप का हेड गियर है इनका, मुकुट है। एंड द फेशियल फीचर्स वर ऑल्सो शोन वेरी क्रूडली एंड लैक्स फाइननेस। तो वो मैंने आपको बताया बिल्कुल फाइननेस नहीं है, जैसे आंखें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आंखें जैसी लगी नहीं रही हैं, बिल्कुल बस ऐसे बस टांच दिया कि हाँ ये आंखें बन गई, ये नाक बन गई, ऐसे उभरी हुई, ये मुंह बन गया, एक बिल्कुल क्रीज बना दी, ऐसे कुछ भी फाइननेस नहीं थी इन स्ट्रक्चर्स में। और इनका नंबर भी बहुत कम था, फाइननेस सिर्फ ब्रॉन्ज वाले स्ट्रक्चर्स में थी। आप जितनी अच्छी वैक्स कार्विंग करोगे उतना अच्छा आपका ब्रॉन्ज मेटल का जो स्कल्पचर है वो बन के आएगा। देन कम्स दी पॉटरी। तो पॉटरीज वर फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट्स, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 kinds। तो पॉटरीज जो मिली हैं एक्सकेवेशन साइट पे उन्हें 2 parts में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्लेन पॉटरी होती थी, बस सिंपल
किसी भी मटेरियल की पॉटरी बनाती, दूसरी पेंटेड, उसको फिर पेंट भी डेकोरेट करते थे, तो पेंटेड पॉटरी भी थी। तो जो पेंटेड पॉटरी थी उसका नाम क्या था? इट वॉज नेम्ड एज रेड एंड ब्लैक पॉटरी। जो पेंटेड पॉटरी होती थी दिस वन, तो ये रेड एंड ब्लैक पॉटरी बोलते थे क्योंकि इट यूज्ड रेड कलर टू पेंट द बैकग्राउंड एंड द ग्लॉसी ब्लैक पेंट वॉज यूज टू ड्रॉ डिजाइन एंड फिगर्स ऑन द रेड बैकग्राउंड। तो इसको रेड एंड ब्लैक पॉटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ये मटका है या कोई भी पॉट है उसको पहले पूरा रेड से कलर कर देते थे, तो बैकग्राउंड रेड होता था और फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर से हम मोटिव्स बनाते थे, या कोई भी आपको जो भी डिजाइन बनानी है वो ग्लॉसी, बिल्कुल ग्लॉसी चमकते हुए ब्लैक कलर से बनाते थे, इसलिए रेड एंड ब्लैक पॉटरीज मिलती हैं वहाँ पे। देन अब यूज क्या क्या होते थे इसमें, कौन कौन सी डिजाइन बनती थी, पेड़ बना दिए, बर्ड्स बना दी, फिगर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये रिकरिंग थीम्स होती थी पेंटिंग्स की, यही सब चीजें बनती थी, इससे ज्यादा कुछ बनाते नहीं थे। देन मोस्ट ऑफ द पॉटरीज दैट हैव बीन फाउंड दे आर वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स विद अ वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड। तो जितनी भी पॉटरीज मिली हैं वो जो पॉटरी वाला जो व्हील होता है उससे बनी हुई मिली हैं, काफी अच्छी तरह से वो उसको ऐसे पूरा हाथ से करके बनाते हैं, उस टाइप की पॉटरीज मिली है, हैंडमेड बहुत कम मिली हैं, पूरी एकदम वेल मेड व्हील मेड जो है वेयर्स मिले हैं बहुत ही अच्छी तरह से, जो बिल्कुल जैसे कुम्हार बनाता है उस टाइप के। देन सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीक्रोम पॉटरी हैव आल्सो बीन फाउंड। पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है, पॉलीक्रोम मतलब अलग अलग कलर्स, सिर्फ रेड एंड ब्लैक कलर ही नहीं, अलग अलग कलर्स, बहुत सारे कलर्स, पॉली कलर्स यूज किए हैं उन्होंने, सिर्फ रेड एंड ब्लैक दो ही कलर यूज नहीं किया, लेकिन बहुत कम पॉटरीज मिली हैं इस टाइप की जिनमें बहुत सारे कलर्स यूज हुए हों। देन पॉटरीज जो है वो तीन पर्पज के लिए यूज होती थी मेनली। पहली हाउस होल्ड पर्पज, जो प्लेन पॉटरी होती थी जो बिना किसी डेकोरेशन की होती थी वो हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज होती थी, जैसे पानी स्टोर कर लिया अपने उसमें या अनाज स्टोर कर लेते हैं लोग बाग, तो वो हाउस होल्ड पर्पज के लिए। दूसरी जो पेंटेड पॉटरी है हमारी वो यूज होती थी डेकोरेटिव पर्पज के लिए, ठीक है ना, वो हाफ एन इंच इन साइज होती थी, जनरली लेस देन हाफ एन इंच इन साइज, एंड दे वर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज, और इतनी अच्छी तरह से उनको मार्वलसली क्राफ्ट करते थे, और अभी भी अगर आप उनको देखो तो आपको लगेगा वाओ कितनी सुंदर पॉटरी है। कुछ पॉटरी होती थी जो छेद होते थे जिनमें, दे वर परफोरेटेड, जैसे कि ये जो है पॉटरी, इसमें ये देखो अलग अलग टाइप के यहाँ पे छेद होते थे उनमें, तो होल्स होते थे बॉटम में या फिर साइड्स में, नीचे भी होते थे, उनके तल में भी काफी सारे छेद होते थे और साइड्स में भी। तो इनका यही निष्कर्ष निकाला गया है कि शायद वो लिकर स्ट्रेन करने के काम में आती थी, दे वर यूज फॉर स्ट्रेनिंग द लिकर, शराब होती है उसके लिए काम में आती थी। देन द हरप्पन्स यूज्ड अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स टू बोन्स एंड इवन बेक्ड क्ले टू मेक ऑर्नामेंट्स। अब हरप्पन्स जो है बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते थे अपने ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब ही लोग जो है वो ज्वेलरीज पहनते थे, अब वो अलग अलग टाइप की होती थी सबकी ज्वेलरीज, लेकिन सब पहनते थे, और ये लोग बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स यूज करते थे या जेमस्टोन्स, बेक्ड क्ले से भी मेटल्स ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे और हड्डियों से भी ऑर्नामेंट्स बनाते थे। तो बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, जो हमारी अंगूठी होती है या जो हम आर्मलेट्स पहनते हैं जो हमारे हाथ में पहना जाता है, ठीक है ना, जिसे हम वो बोलते हैं, जैसे कमर बंद होता है, ठीक है ना, वैसे ही जो बाजू बंद होता है उसे आर्मलेट बोलते हैं, तो वो पहनते थे, या गले में जो नेकलेस होते हैं वो पहनते थे, और दोनों ही मैन भी और वुमेन भी। देन गर्डल्स, अब कुछ एक ऐसे मटेरियल ऑर्नामेंट्स थे जो सिर्फ वुमेन पहनती थी, जैसे इयररिंग्स हैं, अब इयररिंग्स तो मेल पहनेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देन एंकलेट्स हैं, जो हमारी पायल वगैरह होती थी वो भी फीमेल्स पहनती थी, तो कुछ ऐसे थे जो सिर्फ फीमेल पहनती थी, और कुछ मटीरियल या कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे थे जो मेन और वुमेन दोनों पहनते थे। देन बीड्स फ्रॉम बीड्स मेड फ्रॉम कॉर्नेलियन, अमेथिस्ट, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट वर क्वाइट पॉपुलर एंड वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब क्या है, जो मोती होते हैं मोती वो बनते थे इन मेटल्स के, जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, दैट इज कॉर्नेलियन, अमेथिस्ट, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, ये चार टाइप के मटेरियल थे जिनसे बीड्स बनाते थे, और जो बीड्स थी वो काफ़ी पॉपुलर थी और वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होती थी। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि फैक्ट्रीज मिली हैं उनकी चानुदारो और लोथल, दो जगह हैं चानुदारो और लोथल, इन दोनों जगह पे बीड्स की फैक्ट्रीज मिली हैं, तो ये मानना है कि लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन होता था बीड्स का। फिर कपड़ों के नाम पे हड़प्पन यूज्ड कॉटन एंड वूल, तो कपड़ों के नाम पे देखा जाए तो वहाँ पे छोटे छोटे पीसेस मिले हैं कॉटन क्लोथ के और वूल के, तो ये दोनों चीज़ें वो यूज करते थे फैब्रिक के लिए। देन स्पंडल्स एंड वर्ल्स वर मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव फेयंस एज वेल एज चीप क्ले।
अब जो स्पिंडल्स और वर्ल्स थे वो भी बनते थे, वो चीप क्ले से भी बनते थे और एक्सपेंसिव फाइंस से भी बनते थे. फाइंस एक मटेरियल होता है, उससे बनते थे. एंड द पीपल ऑफ द टाइम, अब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के जो पीपल थे वो फैशन कॉन्शियस थे, ठीक है ना, उनमें को फैशन को लेके काफ़ी सेंस था, ठीक है. एंड क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं हेयर के, और दाढ़ी भी रखते थे जो आजकल काफ़ी फेमस हो रही है लड़कों में, दाढ़ी वो भी रखते थे वो लोग. देन दस वी सी दैट द आर्टिसंस एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन दे मेड जायंट स्ट्राइड्स इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. ये तो मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि उन लोगों में काफ़ी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर बहुत ही अच्छा था. देवर एडवांस पीपल लाइक अस. ओके, देन एक दो तीन चीज़ें हैं, दो जो हैं मटेरियल, दो स्किल और क्राफ्टमैनशिप के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमें वहाँ पे मिली है एक्सकेवेशन में, वो दो के बारे में मैं पढ़ाना चाहती हूँ. एक तो है ये बस्ट ऑफ द बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है हमें. तो ये एक प्रीस्ट है, एक पुजारी है, और ये देखो ये इसकी दाढ़ी है. सो इट इज़ अ बियर्डेड प्रीस्ट, और इसका सिर्फ ये बस्ट मिला है, सिर्फ ऊपर का पार्ट मिला है, बस यहाँ तक. तो इट इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टोन फिगर्स विच इज़ फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये स्टोन का बना हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट एग्जाम्पल है स्टोन फिगर का. इसमें क्या दिखाया गया, इट इज़ द फिगर ऑफ अ बियर्डेड मैन, ठीक है ना, एक दाढ़ी वाला इंसान खड़ा है यहाँ पे. ही इज़ अ ड्रेप्ड इन अ शॉल विद ट्री फॉइल पैटर्न्स, ठीक है. अब ये इसमें ये जो है ये इसकी एक शॉल है जो इसने लपेट रखी है, और इनका जो पैटर्न्स है देखो ट्रीफॉइल पैटर्न्स बने हुए हैं इस शॉल पे. जो आईज़ हैं वो उसकी इलॉन्गेटेड हैं, लंबी आईज़ हैं और हाफ क्लोज हैं. तो ऐसा लगता है कि शायद किसी प्रकार का मेडिटेशन कर रहा है, इसीलिए जो है आँखें एकदम बिल्कुल ऐसे लॉन्ग बनाई हैं और हाफ क्लोज बनाई है, ये इंडिकेट करने के लिए वो कि वो ध्यान में है. द फिगर हैज एन आर्मलेट ऑन द राइट हैंड एंड अ प्लेन वुवन फिलेट अक्रॉस द हेड. तो ये जो राइट हैंड है इसका, राइट आर्म जो है उसमें ये देखो एक बाजू बंद है, आर्मलेट जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है, और इसके हेड पे भी एक ये बिल्कुल ऐसे फिलेट सा बना हुआ है जैसे बैंड लगा रखा हो कोई उस टाइप का. तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उनकी क्राफ्ट्समैनशिप का. फिर दूसरा है रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ अ मेल टॉर्सो. तो एक मेल टॉर्सो का रेड सैंडस्टोन फिगर मिला है, ये भी रॉक स्कल्पचर्स का बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है. द टॉर्सो हैज़ अ फ्रंटल पोस्चर, बिल्कुल आगे का पोस्चर दिखाया गया है, और जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए, वेल बेक्ड शोल्डर्स, और एक एब्डोमेन जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाया गया है, जिसके शोल्डर्स बहुत अच्छी तरह से बेकिंग करी हुई है, वेल बेक्ड शोल्डर्स दिखाए हैं और प्रोमिनेंट एब्डोमेन दिखाया है. सॉकेट होल्स भी हो रखे हैं इसमें नेक में और शोल्डर्स में. तो ये नेक है, यहाँ पे एक होल हो रखा है, और शोल्डर्स में भी होल हो रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे. तो ये किस लिए है, प्रोबेबली फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म. तो ये अलग अलग पार्ट को अलग अलग उससे बनाते हैं ना, पूरा एक साथ आप स्कल्पचर तो बना नहीं दोगे. तो ये इसीलिए कि हो सकता है जैसे ये पूरा टॉर्सो बना दिया, अब इसका हेड बनाएंगे, तो इन दोनों को अटैच किसी होल से, उसमें भी होल बनाएंगे, फिर एक लकड़ी डाल देंगे या कुछ भी डाल देंगे जो भी वो लोग डालते थे. तो अटैचमेंट के लिए है कि ये हेड के अटैचमेंट के लिए होल दे रखा है, और ये जो हाथ लगाएंगे हम, आर्म्स लगाएंगे, उसके अटैचमेंट के लिए होल्स दे रखे हैं. तो ये था हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में जो हमने पूरा पढ़ा. तो काफ़ी जो मैंने आपको जो भी पिक्चर्स दिखाई और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन बताया, उन्हें अच्छी तरह से एक बार वापस देखिएगा, क्योंकि इन पिक्चर्स के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो डिटेल में जाते हैं ये लोग कि एलोंगेटेड आइज किसकी थी, या एज इफ इन मेडिटेशन, या ये मिले कहाँ पे थे. तो वो सब मैंने आपको बता दिए हैं पहली वाली स्लाइड्स में, तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा. ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने थोड़ा बहुत इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में बात की, और फिर हमने पूरा हड़प्पन आर्किटेक्चर भी कवर कर लिया. सो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते. नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में रहेगा. इस लेक्चर की PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. सो ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूल. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.